आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो टॉपिक जो है वो काफ़ी सालों से जो है वो इंसान की नज़र में है, लेकिन उस पर जो है वो ऑफिशियल्स की नज़र आज तक नहीं गई। मैं बात कर रहा हूँ सीओ किश्तवाड़ जो रशपाल जी हैं, जिन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। उन्होंने एक आर्डर निकाला है जिसमें इस बात को एक्नॉलेज और एडमिट किया गया है कि जो किश्तवाड़ टाउन में और उसके मज़ाफात में जो स्कूल्स हैं और जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, और वो जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है टीचर्स या उनके रिश्तेदार जो है उनके यहाँ एज ए नौकर काम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो भी स्कूल्स किश्तवाड़ टाउन में सरकारी स्कूल है या उसके मज़ाफात में जो एडजॉइनिंग एरियाज में है, उनमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो गरीब तबके से है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो उन इन स्कूलों में एनरोल्ड है वो किसी टीचर के घर, किसी अफसर के घर या उनके किसी रिश्तेदारों के घर में जो है वो एज ए नौकर काम कर रहा है। सीओ किश्तवाड़ ने इसी को लेकर एक रात को आर्डर निकाला है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि जो बॉन्डेड लेबर हो, यानी कि कोई भी जो बच्चा 14 साल से की उम्र का या उससे नीचे का जो बच्चा है उससे काम कराना जो है वो कानूनन जुर्म है। आप उसको घर में नौकर नहीं रख सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो इजाजत तो दी गई है, लेकिन उसमें जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो है वो एक रोल होता है, जिसमें एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है और एक जुवेनाइल बोर्ड का जो है वो एक सीनियर सदस्य होता है जो एक रिटायर्ड डीएसपी या एसपी लेवल का ऑफिसर होता है, और इसमें जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो ओवरऑल इंचार्ज और हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो देखते हैं कि जो जुवेनाइल बच्चे हैं उन पर कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा है। हमने अक्सर सुना था कि बच्चे जो है उनको हाईवेज पे जो ढाबे हैं या जो होटल्स हैं उनमें काम कराया जाता है, और उनसे जो है वो उनका जो बचपन है वो एक तरह से छिन जाने का जो है वो खतरा रहता था। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और गवर्नमेंट ने जो है वो लॉज बनाए और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसका वजूद आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि कई साल पहले यहाँ पर एक आईएएस एसडीएम आई थी जिसका नाम मनदीप कौर था। वो डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले की बात है, जब एक दिन अचानक उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि कभी जाकर जो आसपास के हमारे किश्तवाड़ के स्कूल है उनको जो है वो चेक कर लेना। उन्होंने बताया कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनको यही बात जो है वो बोली थी कि किश्तवाड़ के जो स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नौकर टीचर्स के घर में हैं या रिश्तेदारों के यहाँ हैं। तो वो ऑफिसर आज जो कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर है यूनियन ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट में जो है वो सर्विस करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जब वो यहाँ पर एक स्कूल में गई, 84 का एनरोल था वहाँ पर, 84 बच्चे जो है वो पढ़ते थे वहाँ पर, और उनमें से जो है वो 70 बच्चे ऐसे थे जो उस्ताद और उनके रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। काफ़ी देर से इस बात पर जो है वो चर्चा तो होती थी लेकिन एक्शन नहीं होता था, लेकिन जो सीओ किश्तवाड़ ने जो आर्डर निकाला है इससे जो है वो एक उम्मीद जो है वो जागी है कि जो बच्चे, गरीब बच्चे जो घरों में पढ़ रहे हैं वो नौकर के हैसियत से जो है यहाँ पर स्कूलों में जो है वो दाखिल तो है एज ए स्टूडेंट, लेकिन नौकर की हैसियत से जो है वो घरों में काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें वास्ट पावर जो है वो दी गई है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो बगैर किसी वारंट के किसी के घर में जाकर सर्च कर सकता है, और अगर उसमें जो है वो 14 साल से या 14 साल का या 14 साल से कम का बच्चा पाया जाता है वो उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है, और उस पर एफआईआर भी दर्ज होती है। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का एसएचओ है वो भी इसका एक सीनियर और एक्टिव मेंबर है, जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों पर जो है वो नजर रखे। जो सिटी के स्कूल्स हैं ये एक्नॉलेज फैक्ट है कि यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ते हैं वो नौकर है, और जो स्कूल यहाँ पर है उनमें बच्चों की तादाद जो है वो कम है और जो टीचर्स हैं उनकी तादाद जो है ज़्यादा है। अगर किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं तो वहाँ पर 20 या 22 टीचर है या स्टाफ है, जबकि जो रूरल एरियाज में हमारे स्कूल है वहाँ पर अगर 350-400 जो है वो स्कूल की स्ट्रेंथ है, 5 या 6 टीचर जो है उसमें पोस्टेड है, यानी कि अगेनेस्ट 350-400 स्टूडेंट्स जो है 5 या 6 टीचर्स रूरल एरियाज में पोस्टेड है, जबकि किश्तवाड़ में जो है
25 से 30 या 40 स्टूडेंट हो, वहां पर 20 से 22, 15 से 18 के करीब जो है वो टीचर पोस्टेड है, और मैक्सिमम स्कूलों में जो फार फ्लंग एरियाज में जो टीचर से वो अटैच्ड है। अब जो सीओ का आर्डर है, इससे जो है वो थोड़ा सा एक लीड उठा है इस इशू को लेकर। हालांकि इसमें अभी काफी काम करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये सीओ किश्तवाड़ का आर्डर है, इस पे यहाँ के जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो इसके हेड है, और जो एसएचओ किश्तवाड़ है, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वो इस पे नोटिस लेगा, और जो बच्चे इस वक्त स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और उनको जो है वो आइडेंटिफाइड किया जाएगा और ट्रैक डाउन किया जाएगा कि वो बच्चे है कहाँ और कहाँ पर होते हैं। उसी से जो है इसकी सच्चाई जो है वो पता चलेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की नोटिस में ये इशू तब आया जब ये पता चला कि जो ऑनलाइन क्लासेस है सिटी के स्कूल्स के बच्चों की, वो बच्चे जो है वो कम अटेंड कर रहे हैं, और जब इसकी तह तक जो है वो पहुंचा गया और उस बात से खुलासा हुआ कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो तो नौकर है टीचर्स के, या बाकी जो लोग हैं उनके घरों में, तो उनके पास मोबाइल की जो है वो एसेस कहाँ से होगी और वो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेंगे। इस आर्डर के बाद जो है वो मेरे को कम से कम एक एहसास और मेरे में जो है वो एक हिम्मत जागी है कि मैं आज आपके सामने ये वीडियो डिस्पैच दे रहा हूँ और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ये बच्चे हैं उनका इस्तेमाल ना करें, जो ये गरीब बच्चे हैं इनको एज ए नौकर घरों में ना रखें और यहाँ पर स्कूलों में एडमिट ना करें। इसके अलावा हम स्कूलों में एक और स्कैंडल देख रहे हैं कि जो कैजुअल स्टूडेंट्स हैं, कोई मड़वा का, कोई दक्षिण का, कोई वर्धमान का, कोई द्रापशाला का, कोई बोंजवा का, और फार फ्लंग एरियाज के जो बच्चे हैं वो तो यहाँ के किश्तवाड़ के सिटी के जो मेन प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जबकि वो वहाँ रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात ये कहूँ कि वो भी जो उस स्कूलों के टीचर्स हैं वो गनीमत समझते हैं कि किसी तरह से जो है वो बच्चे वहाँ भाग जाए, उन पर बोझ कम हो और वो जो है वो स्कूलों में हाजिरी ना दे, क्योंकि हमने अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रूरल एरियाज के टीचर्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से अक्सर हमें शिकायतें मिलती हैं, या तो स्कूल बंद होते हैं, या टीचर एबसेंट है, या कोई टीचर ही नहीं है। तो मेरी जो है वो इस से जो जुड़े हैं सारे लोग, जो मेरे दोस्त यहाँ पर तोसी भट्ट है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है कि जो इस सीओ किश्तवाड़ का आर्डर है इस पर नोटिस ले और एक टीम बैठे और वो इसको जो है वो अपने ग्रुप में डिस्कस करें और इस बात की तह तक पहुंचे कि ये जो बच्चे इस वक्त जो नौकर लोगों के घरों में है और यहाँ पर स्कूलों में एडमिटेड है, उनको वो किस तरह से उस जुल्म से बचा सकते हैं और उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं ताकि वो देश के बाकी बच्चे चूं की तरह जो है वो तालीम जो है वो हासिल कर सके। मैं इस और रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज हाईवे पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो भी बच्चे इस वक्त दाबू में या होटलों में काम कर रहे हैं उन पे भी जो है वो नज़र रखी जाए। फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं, जो PMGSY के रोड्स हैं, जो RNB के बिल्डिंग्स से बन रही हैं, हमने देखा था कि पिछली बार भी जो है वो दो केसेस सामने आए थे जहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो सड़क पर जो है वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, जबकि उनको स्कूल में जाने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत थी बनिस्बत कि वो सड़क पर पत्थर तोड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है तौसीफ साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के जो SHO साहब है सैयद आफिफ बुखारी साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है तारक काजी, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सब लोग इससे जुड़े हैं, कि वो इस जो CO का आर्डर है इसका एक सीरियस नोट ले और इस आर्डर को मानों में जो है असली मानों में जो है वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि इन बच्चों का फ्यूचर भी जो है वो सुधरे, ताकि ये बच्चे जो है किसी के घर का जो है वो नौकर ना बन गए। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा आप जो है वो उसको देख सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।